Hello, my YouTube family. I hope you all are doing well. I'm also good. So today, we will talk about one word substitution quiz part number 22. अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो या तो आप सोच रहे होंगे कि मैं देखूं ये क्विज क्या है, या फिर आप क्लिक करने के बाद ये सोच रहे होंगे शायद कि मैं ये क्विज को क्यों सॉल्व करूं। तो आपकी उलझन को सुलझा देते हैं। आपने इस क्विज को अपने लिए सॉल्व करना है, अपने इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए सॉल्व करना है। अगर आप चाहते हो अपनी इंग्लिश की नॉलेज को चेक करना या अपने इंग्लिश की वोकैबुलरी को इम्प्रूव करना, तो ये क्विज आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्विज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्विज पार्ट नंबर 22। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ बातों का आपने ध्यान रखना है। नंबर वन पॉइंट ये है कि आपने सिर्फ वन वर्ड में ही आंसर देना है। मैं आपको स्पेसिफाई करूंगी वर्ड लिमिट कि आपने कितने अल्फ़ाबेट्स में आंसर देना है, उतने ही अल्फ़ाबेट्स का आपका आंसर होना चाहिए एंड मेक श्योर कि आपका आंसर करेक्ट हो। नंबर टू इज़ इस क्विज का जो भी विनर होगा उसके लिए सिर्फ एक ही कंडीशन है कि आपने 8 out of 10 क्वेश्चंस जो हैं वो करेक्टली आंसर करने हैं। और उनके आंसर्स मुझ तक कैसे पहुंचेंगे? जब आप कमेंट बॉक्स में उनके आंसर्स को कमेंट करेंगे। तो आप जो भी आपको आंसर्स आते हैं ज़रूर कमेंट बॉक्स में उनको कमेंट करिए, ताकि मुझे पता चले कि आपको इतनी ज़्यादा इंग्लिश की नॉलेज ऑलरेडी है और मेरी ऑडियंस का लेवल ऑफ इंग्लिश कितना है। जितने भी पार्टिसिपेंट्स के 8 out of 10 आंसर्स करेक्ट होंगे उनके नेम्स जो हैं वो नेक्स्ट वीडियो में अनाउंस किए जाएंगे। जैसे कि इस वीडियो में आप देखना कि पिछले हमारे क्विज के जो विनर्स हैं उनके नाम आज अनाउंस होंगे। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने क्विज नंबर 22 के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज द एक्ट ऑफ डिपार्टिंग पोलाइटली इज। पोलाइटली किसी जगह से, नम्रता से किसी जगह से चले जाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? किसी जगह को छोड़ जाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? योर आंसर मस्ट बी अ सिंगल वर्ड विद 5 अल्फाबेट्स ऑफ इंग्लिश। एंड द सेकेंड क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्विज इज द पर्सन बीइंग एक्यूज्ड इज। वो पर्सन जिस पे कुछ इल्ज़ाम लगा हो उसको हम क्या कहते हैं? योर आंसर मस्ट बी अ सिंगल वर्ड with 7 alphabets of English and your clue is the word starts with the alphabet S, S for sun. Moving towards our third question, and the third question is the dressed hairy coat of a mammal is. किसी जानवर के body के ऊपर जो एक hairy coat होता है, means घने घने बाल से उगे होते हैं, उनको इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो सबसे पहले जान लीजिए मैमल क्या होता है। मैमल वो टाइप का एनिमल होता है जो अपने यंग वंस को फीड कराते हैं मिल्क। तो चलिए, आपका क्लू है, योर आंसर मस्ट बी अ सिंगल वर्ड विद 3 अल्फाबेट्स ऑफ इंग्लिश। योर फोर्थ क्वेश्चन इज स्टेट ऑफ बीइंग फ्री फ्रॉम डेंजर। वो स्थिति जिसमें आप खतरे से बाहर हो, उस स्टेट को, उस स्थिति को इंग्लिश में क्या कहते हैं? योर आंसर मस्ट बी अ सिंगल वर्ड विद 6 अल्फाबेट्स ऑफ इंग्लिश। योर फिफ्थ क्वेश्चन इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ एन एक्शन इज। किसी भी एक्शन की जो आउटकम होती है उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? योर आंसर मस्ट बी अ सिंगल वर्ड विद 6 alphabets of English. Question number 6 is instance or sample is also called as. Instance या sample को एक और नाम से भी जाना जाता है, वो नाम English में इस word का क्या है?
एक और सिनोनिम है इसका, वो आपने बताना है। योर आंसर मस्ट बी अ सिंगल वर्ड विद 7 अल्फाबेट्स। क्वेश्चन नंबर 7 इज अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स इज कॉल्ड। सैनिकों के ग्रुप को इंग्लिश में क्या कहते हैं? योर आंसर मस्ट बी अ सिंगल वर्ड विद 5 अल्फाबेट्स। क्वेश्चन नंबर 8 इज रिपेयरिंग एन ऑब्जेक्ट बैक टू इट्स ओरिजिनल कंडीशन इज टू। किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज़ को रिपेयर करके उसकी ओरिजिनल कंडीशन में ले आना, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? योर आंसर मस्ट बी अ सिंगल वर्ड विद 7 अल्फाबेट्स ऑफ इंग्लिश एंड योर क्लू इज योर वर्ड स्टार्ट्स विद लेटर आर। क्वेश्चन नंबर 9 इज एन एक्शन हैपेंड नॉट लॉन्ग अगो। कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा एक्शन जो बहुत देर पहले ना हुआ हो, मतलब कोई थोड़े टाइम पहले ही कोई बात हुई हो, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? वो टर्म क्या होती है जिससे पता चलता है कि कोई चीज़ अभी अभी ही हुई है, वो वर्ड को इंग्लिश में आपने बताना है। और आपका हिंट है योर आंसर मस्ट बी अ सिंगल वर्ड विद 6 अल्फाबेट्स। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 इज तिब्बतन ऑक्स इज कॉल्ड एज। तिब्बतन ऑक्स जो है उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? योर आंसर मस्ट बी अ सिंगल वर्ड विद 3 अल्फाबेट्स इन इंग्लिश। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का क्विज, क्विज नंबर 22। अब आपका काम ये है कि आपने इसके आंसर्स को ढूंढ के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है ताकि मुझे पता चले कि आपके आंसर्स सही हैं या गलत, और आपको भी मैं बताऊंगी आपके आंसर्स की करेक्शन के बारे में। और साथ ही साथ आप में से ही विनर चूज करके हम नेक्स्ट वीडियो में अनाउंस करेंगे, जैसे कि हम आज करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के क्विज के विनर की तरफ, जो हैं क्विज नंबर 21 के विनर। एंड द विनर्स आर प्रभजीत सिंह एंड नेहा। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बोथ द विनर्स। तो चलिए अभी जान लेते हैं अपने क्विज नंबर 21 के आंसर्स को। Answer number 1 was input. Answer number 2 was lid. Answer number 3 was ear. Answer number 4 was atom. Answer number 5 was hit. Answer number 6 was noiseless. Answer number 7 was nap. Answer number 8 scent. Answer number 9 was dark. And last answer number 10 was eggs. तो फ्रेंड्स, वीडियो के एंड में एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिए, अपने आंसर्स को और अपने सजेशंस को कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो डू सब्सक्राइब माई चैनल द इंग्लिश टीचर। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू टुमारो विद अनदर एक्साइटिंग वीडियो। टिल देन, ऑलवेज रिमेंबर, लाइफ इज़ ब्यूटिफुल।